कॉलेज में था और इंग्लिश की डब फिल्म देखते थे, तो हमेशा भाषा बड़ी विचित्र लगती थी कि यार बहुत शुद्ध संस्कृत का यूज़ होता था और आप जो विजुअल्स देख रहे हैं वो उसके साथ मैच नहीं करते। तो मैं जब इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया तो मैं उन्हें वही बोल रहा था कि कम से कम हम लोग भाषा सिंपल रखेंगे ताकि लोग रिलेट कर पाएँ, और जितना भी डब किया है काफ़ी मज़ा आ रहा है एंड आई एम रियली एन्जॉइंग इट, और ख़ासकर विजुअल्स देख के, और आई थिंक इट गिव्स यू अ किक कि आप सही जा रहे हैं। उसकी खासियत मुझे जैसे आपने बोला कि कहानी की, आई थिंक मैंने आज आजकल देखा, आई थिंक आप सब लोगों ने रियलाइज़ किया होगा कि इमोशंस बड़े कमाल के आजकल हॉलीवुड में देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक वो कहीं ना कहीं इंडियन इमोशंस को भी खूब यूज़ करते हैं। मैंने इसमें हर्कुलिस का भी एक एंगल है कि किस तरह वो जब उसे अपने राज्य से निकाल दिया जाता है और किस तरह अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसको जीतने के लिए वो वापस आता है और लड़ता है उसके लिए। तो आई थिंक हमारी हिंदी फिल्म में भी ऐसा बहुत कुछ होता है कि हीरो को निकाल दिया जाता है और वो तैयार होकर वापस अपने प्यार को जीतने के लिए आता है। आई थिंक हर्कुलिस के अंदर भी वो एंगल है, और आई वुड से खासकर जब मैं हम बोलता हूँ कि इमोशंस की बात, बट अब अभी अपने को हम लोगों को देखने को मिलता है कि हॉलीवुड के अंदर वो इमोशंस हर फिल्म में कहीं ना कहीं दिखाते जरूर हैं। आई वुड से I've always been a huge fan of Sylvester Stallone. मुझे लगता है कि मैं उनकी फिल्में देख के मैं काफ़ी इंप्रेस रहा हूँ, और आई थिंक मैंने एक्सरसाइज भी उन्हीं को देख कर शुरू की थी। उनकी अगर कोई भी फिल्म बने एंड आई वुड लव टू डब इट। या मुझे मुझे धर्म जी याद आते हैं, आई थिंक जब मे बी सलमान विल लुक वेरी नाइस प्लेइंग हर्क्यूलीज। आई थिंक ही हैज़ गॉट द पर्सनैलिटी टू प्ले हर्क्यूलीज वेल। Hi everybody, I'm Shahrukh Khan. Watch me only on facebook.com/businessofcinema.